जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम सबको फिर से एक बार ये अवसर मिला कि हम आपकी उपस्थिति में आएं और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों से उस सत्यता का प्रकाश प्राप्त करें जिससे प्रभु हमारे जीवन में, हमारे हमारे सोचने के ढंग में, हमारे अंधकार, हमारे मन के अंधकार में प्रकाश हो। हमारा मन जो अंधेरे है, अज्ञानता से भरा है, ना समझी से भरा है, हम प्रभु अज्ञानता से छुटकारा पाते जाएं और हमारे हृदय में भोर का तारा उदय हो, ताकि आपकी ओर से सत्य की ज्योति हमारे मन में चमकने पाए और हम सबका जीवन उस ज्योति के द्वारा प्रकाशमान हो और आपकी महिमा प्रकट हो। आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। और आज हम लोग जिस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, जिन विषयों पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक विषय है जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, उस पे थोड़ा ध्यान करेंगे, और वो है भ्रम। भ्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन। और भ्रम का मतलब होता है मानसिक रूप से तमाम तरीके से डिसबैलेंस होना, यानी हर प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर जो है वो भ्रम के कारण है। जब आप देखिए, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, डिसबैलेंस हो रहा है, यानी वो उसका दिमाग जैसे आम आदमी का, नॉर्मल व्यक्ति का काम करना करता है, वैसे उसका दिमाग नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा है। उसकी अपनी एक सोच है और अपने मन के अंदर उसके एक ऐसा माहौल क्रिएट रहता है कि दुनिया में जो हो रहा है उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। और ऐसे लोग हैं कि ये लोग आपको हर भयानक स्थिति में भी, किसी प्रकार का कोई, जैसे महामारी फैली हुई थी उस समय, इनको महामारी फैली है, जागरूकता नहीं होती इनमें, इनमें जागरूकता नहीं होती है, ये वैसे ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं वैसे ही, जैसे उस समय कितना सख्ती की जा रही है, अगर सख्ती ना की जा रही होती हमारी कंट्री में, तो कोई भी व्यक्ति, यानी इतनी बुरी हालत हो जाती कि पूछिए नहीं। लेकिन इसमें सख्ती कर इस तरीके से रोका, सख्ती क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो डिसऑर्डर्ड है, भ्रम में पड़े हैं। अब इसको आज हम लोग समझेंगे कि ये भ्रम, आपने देखा कि परमेश्वर ने उनको उनके मन पे छोड़ दिया, मन अंधेरा हो गया। मन में जो अंधेरा है, आपके मन के अंदर, देखिए परमेश्वर ज्योति है, आपके मन में अंधेरा है और आप भक्ति कर रहे हैं तो आप किसकी कर रहे हैं? परमेश्वर तो ज्योति है और आपके अंदर अंधेरा भरा हुआ, मन में भ्रम भरा हुआ। अंधेरे का मतलब भ्रम से भर जाना, आपका माइंड फुल ऑफ कंफ्यूजन, और ये डिसऑर्डर्स पैदा करता है और इसमें मानसिक समस्याएं आपको दिखाई देंगी। आज के युग में, हम आपको बताएं, आज के युग में एट प्रेजेंट इस समय मैक्सिमम लोग भयानक तरीके से नशा कर रहे हैं। रीजन मालूम क्या है? सब मानसिक रूप से डिसऑर्डर में, क्योंकि नशा करने की जो लत है ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है, ये मानसिक रोग है। और लोगों को मानसिक रोग है इसलिए वो पीते, क्योंकि उनका मन शांत ही नहीं होता, और जब तक वो नशे का असर रहेगा उसके बाद फिर वही डिसऑर्डर शुरू। फिर वो ऐसे लोग, यानी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं कर सकते, कोई जिम्मेदारी का काम नहीं कर सकते, और ये जब इनको उस चीज की इच्छा होगी, तलब होगी, स्ट्रॉन्ग डिजायर, जब उनको नशा चाहिए होगा तो वो इतना भयानक रूप कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि उनको इस समय नशे की जरूरत है, काम छोड़ के भागना। ये कंडीशन क्यों हो रही है? इसलिए हम इसको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम ज्योति के लिए
समझ रहे हैं कि ज्योति परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे अंदर आती है, तो ये भ्रम कहाँ है? और ये भ्रम इसको पूरी तरीके से समझेंगे, एक बड़ा विषय है, लेकिन इसको भी हम लोग पार्ट पार्ट समझेंगे। बहुत से मसीही भ्रम के बारे में भ्रमित हैं, ये सुनने के बाद कि ईश्वर भ्रम का स्रोत नहीं है। वे मान लेते हैं कि जो कोई भी इस स्थिति में है कि उसे क्या करना है या ईश्वर क्या कर रहा है, वो किसी ना किसी तरह से इसे भूल रहा होगा। परिणाम स्वरूप वे अपने भ्रम में अपराध बोध जोड़ते हैं और अपनी भ्रमित स्थिति का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें भ्रम ईश्वर की वजह से नहीं है, जैसी सामान्य बात से फटकार लगाई जाएगी जो हम अक्सर सुनते हैं। सच्चाई ये है कि ईश्वर अक्सर हमारे जीवन में भ्रम और अनिश्चितता के समय की अनुमति देता है और बनाता भी है। अगर हम मानते हैं कि यीशु को अपना जीवन देने के बाद हम फिर कभी अनिश्चितता का अनुभव नहीं करेंगे, कि हम हमेशा ठीक से जान पाएंगे कि क्या करना है और ईश्वर हमारे साथ अपने व्यवहार में क्या कर रहा है, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर हम बाइबल के नायकों और मसीही कलीसिया के महान सेवकों के जीवन का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उन सभी ने बिना किसी अपवाद के भ्रम और अंधकार के समय का अनुभव किया है। ईश्वर हमें ये दिखावा करने के लिए नहीं बुलाता है कि हमारे जीवन में कभी भ्रम नहीं होता। वो चाहता है कि हम इसके उद्देश्य को समझे और इन उलझन भरे समयों के दौरान अपनी सभी योजनाओं को पूरा करने में उसके साथ सहयोग करें। भ्रम की स्थिति मेरे साथ निकाली, मैं व्यवस्था में आपको दिखाता हूं। मेरे साथ निकाली व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसका 28 अध्याय का पहला पद पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, किसकी? परमेश्वर यहोवा की, यानी परमेश्वर आत्मा है तो उसकी आत्मा की आवाज सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये वायदा है, ठीक है, इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है। अब इसका 15 पद पढ़िए, 28 अध्याय का 15 पद। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने या उसका वचन ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या आएगा? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे चाव से और ध्यान से, और आपने जो सुना है उसको जीवन में आज्ञा मानेंगे, यानी अपने जीवन में लागू करेंगे, क्या मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये परमेश्वर का वचन जैसा कहता मैं वैसा करूंगा, तो आपके जीवन में आशीष आएगी। और अगर आप परमेश्वर के वचन का अनादर करेंगे, यानी सुनकर उसको तिरस्कार करना, नहीं मानना, अनाज्ञाकारिता, तो आपके पर श्राप आएगा। अब बताइए श्राप कैसे आता है? वचन को सुनना और उसको अपने जीवन में लागू ना करना, तो क्या आएगा? श्राप आएगा ना। अब आप देखिए इसमें ऊपर 28 अध्याय के ऊपर हेडिंग पढ़िए, पहले पद के ऊपर हेडिंग लिखिए आशीष वचन। अब इसके बाद 15 पद के ऊपर देखिए क्या लिखा है, आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। श्राप क्या है? आज्ञा उल्लंघन का दुष्परिणाम श्राप है। अच्छा, श्राप से कोई छुड़ा नहीं पाएगा, आपको श्राप से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई प्रार्थना नहीं छुड़ा सकती श्राप से। अगर ये काम प्रार्थना से हो सकता था तो प्रभु यीशु मसीह को मरना व्यर्थ है। आज देखिए परमेश्वर ने उसका हमारे सामने
तोड़ रखा हुआ कि तुम अगर शराब से छूटना चाहते हो तो इस पर विश्वास करो, इस कार्य पर जो परमेश्वर ने किया अपने पुत्र का बलिदान। लोग परमेश्वर के पुत्र के बलिदान पर विश्वास करने का नाटक करते हैं और उसके वचन का अनादर करके इस बात को साबित कर देते हैं कि हम नहीं मानते, अनाज्ञाकारिता से वो इस बात को साफ कहते हैं हम नहीं मानते, और परिणाम सुनेंगे इसका परिणाम बहुत भयानक है। और इसका परिणाम ये है कि आप इसका 25 पद पढ़िए, इसका बल्कि आप घर में जाके पूरा पढ़ लीजिएगा 15 से आपका आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा। देखिए ये किस बात का परिणाम है, आज्ञा उल्लंघन। यदि तू परमेश्वर की वाणी सुने और उसको ना माने तो परमेश्वर क्या करेगा, वो तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा परंतु सात मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। कहीं हल है नहीं। आगे पढ़ दीजिए इसका 26 पद, और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। और फिर इसके बाद 27 पद, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा। स्किन डिजीज का जल्दी कोई इलाज नहीं है, और जब भी आप इलाज करेंगे आप थोड़े समय बाद जहां आपने दवाई बंद की देखिए फिर वैसी शुरू होने लगेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। आज भी है हमारे सामने बवासीर का कोई इलाज हो बताइए, परमानेंट कुछ हो, जब तकलीफ उखा लो फिर इसके बाद फिर शुरू, ला इलाज बीमारियां हैं ये सब। और इसके बाद 28 पद, यहोवा तुझे, अरे बाप रे बाप, पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। ये भ्रम की स्थिति है, यही है कंफ्यूजन। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में, यानी आज दुनिया में देख लीजिए क्या हो रहा है, दिन दोपहरी में लोग ऐसे टटोलते फिर रहे हैं, भटक रहे हैं जैसे अंधेरी रात में लोग टटोलते हैं। ये भ्रम की स्थिति है कि नहीं है, इसी को कंफ्यूजन कहते हैं। आज यही दशा है कि तू दिन दोपहरी में ऐसे टटोलता फिरेगा जैसे रात के अंधेरे में लोग घूमते हैं और तेरे काम काज सफल ना होंगे और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। अब आप बताइए इसका कोई इलाज है, प्रार्थना या भक्ति कर तो रहे हैं सब, इलाज है नहीं है। ये है भ्रम। ये स्थिति क्यों है मालूम है, ये हमारी खुद की गलती है। परमेश्वर की ज्योति है लेकिन परमेश्वर वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो ज्योति हमारे हृदय में जाएगी तब हमारे मन में ज्योति आएगी, और जब अंदर ज्योति आएगी तब ज्योति की बातें ज्योति के विचार हमारे अंदर पैदा होंगे, वरना वही अंधेरे के विचार। आपके मन में जो विचार पैदा होते हैं उसी के आधार पर आप चलते हैं, उसी के आधार पर आप निर्णय लेते हैं, उसी के आधार पर आप बातें करते हैं। हमसे जब कोई बात करता है ना उसके अंदर का अंधकार हमको, आप चाहे वो कितनी दूर बैठा हो, हमें परमेश्वर उसकी बोली से दिखाता है कि देखो अंधकार में ये मूर्ता की बातें कर रहा है, तर्कहीन बातें करना, क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन की सत्यता नहीं मालूम है। वो परमेश्वर के वचन में, जैसे हमने कल देखा ना लोगों ने कैसे भ्रमित कर रखा है वचन को, और वो भ्रमित वचन आपके अंदर बैठ जाएगा, आप भ्रम में पड़ गए। ये भ्रम कैसे है, ये भ्रम क्यों है आपके अंदर, ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत भी आता है। अब एक एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा नए नियम में, दूसरा पत्रस की पत्री है, और उसका पहला अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी
किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में, सेकेंड पीटर चैप्टर 1:20। Yet, first you must understand this, that no prophecy of scripture is a matter of any personal or private or special interpretation, loosening or solving. यानी कोई भी परमेश्वर के वचन का कोई भी पद आपके अपने विचारधारा पर पर्सनल इंटरप्रिटेशन का विषय नहीं है। और आज लोग यही कर रहे हैं, एक पद पढ़ते हैं, आप 10 लोग बैठाइए प्रैक्टिकल करने के लिए और एक पद दे दीजिए, उस पद पे 10 आपको इंटरप्रिटेशन मिल जाएंगे, 10 व्याख्याएं। क्या वो सही है? इससे एक चीज पता चल जाती है कि ये 10 व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित नहीं और ये परमेश्वर के वचन का सत्य नहीं जानते। ये अपने मन में जो ये आकलन कर रहे हैं या अपने मन में जो ये विचार कर रहे हैं उसके आधार पे इसका इसका वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या इसका अनुवाद कर रहे हैं, तो ये अपने शब्दों में परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रख रहे हैं। आजकल प्रचारक ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जिस जिस प्रकार का प्रचार हो रहा है उसी प्रकार का वचन लोगों के मन में जा रहा है और उसी प्रकार से उनका विश्वास जो है वो भ्रमित विश्वास है, कोई विश्वास नहीं करता। हम आपको सच बता रहे हैं, जिस दिन विश्वास आएगा ना उस दिन आपकी जिंदगी में बत्ती जल जाएगी, ये पक्की बात है। और बत्ती नहीं जल रही तो इसका मतलब विश्वास में नहीं है, आप भ्रम है, आप भ्रम है, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आप किस दशा में, आपकी मानसिक दशा को परमेश्वर का वचन इस चीज को खोलता है। अच्छा और बुरा भ्रम, भ्रम दो प्रकार का है, एक अच्छा भ्रम भी एक बुरा भ्रम भी। अब देखिए इन दोनों चीजों को इस संदर्भ में अक्सर उद्धृत यानी जो रेफरेंस दिया जाता है और गलत तरीके से परमेश्वर के वचनों का जो अर्थ हम लोग लगाते हैं उद्धृत किए जाने वाले अंश को देखें। कुरिन्थियों में लिखे गए पौलुस के पहले पत्र में वो आध्यात्मिक वरदानों से निपटता है और कैसे ये कैसे वे कभी कभी उनकी कलीसियाई सेवकाई में नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। जाहिर है कि बड़ी संख्या में लोग एक साथ अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे जिससे भ्रम और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। कलीसिया में आने वाले गैर मसीही लोगों को रोका जा रहा था। पौलुस लिखते हैं यदि कोई अन्य भाषा में बोले तो 2 या अधिक से अधिक 3 लोग बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे, लेकिन यदि कोई अनुवादक ना हो तो उसे कलीसिया में चुप रहना चाहिए और अपने आप से और परमेश्वर से बात करनी चाहिए। वो उन्हें बताता है परमेश्वर भ्रम का नहीं बल्कि शांति का स्रोत है। ये सब पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 13 पद से पढ़िए। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती है।
मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें करूं। अब यहां पे देखिए, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सयाने हो जाओ, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराए मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। और इसलिए यहां पर लिखा है, अतः कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके पास अन्य भाषाएं बोलने और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे। अगर मान ली, देखिए ये यहाँ पे आत्मिक वरदानों को लेकर एक बड़ी समस्या आ गई थी पहली सदी की कलीसिया में, जिसे पौलुस हैंडल कर रहा था उस प्रॉब्लम को। और वो प्रॉब्लम ये थी कि सब लोग, यानी अलग अलग जगह से लोग वहां पर आते थे, ये इफिसुस की कलीसिया थी, कुरिन्थियों की कलीसिया, तो यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आते थे, दूसरे दूसरे देशों के, तो उनकी भाषा अलग होती है। अब बिना अनुवादक के वो खड़े होकर बोल रहे हैं, अगर वो 4, 5, 6 खड़े हो गए और सब बोल रहे हैं तो कितना जोर से साउंड कितनी ज्यादा होने लगी, तो लोगों को लगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी जोर से आवाज हो रही है। और वो जब आवाज शोर होने लगा तो भीड़ लगने लगी और लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी भाषा तो कोई समझ नहीं रहा था। तो यहाँ पे पौलुस को बड़ा मुश्किल हो गया था इस बात को, इस विषय को हैंडल करना, कि एक तरफ उनके मन में ये था कि ये तो परमेश्वर का वरदान है, लेकिन दूसरी तरफ डिसिप्लिन की बात आ रही थी, तो कलीसिया को डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो डिसिप्लिन में बात कर रहा है, ये डिसिप्लिनरी इस चीज से वो निपट रहा है। तब उसने यहां पर बोला कि इसका 33 पद पढ़िए, 33वां पद, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसी पद को, 33 पद को इंग्लिश में, 33:14 Who is the source of their prophesying is not a god of confusion and disorder। देखिए confusion के साथ एक word, यानी confusion और disorder एक ही चीज है। अगर आपके आत्मिक वरदान है आपके अंदर तो disorder क्यों दिख रहा है, और अगर disorder है तो वो आत्मिक वरदान नहीं है। आजकल जिस तरीके की हरकत लोग करते हैं, क्या वो पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण या डिसऑर्डर है? बिल्कुल साफ दिखता, हमें दिखता है कि मानसिक डिसऑर्डर है, वो किसी प्रकार की मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में, ये डिसऑर्डर है। इसीलिए उसने लिखा कि कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर बट ऑफ पीस एंड ऑर्डर As is the practice in all the churches of the saints, God's people। Saints, संत का मतलब, हिंदी में जब भी संत मिलेगा आपको बाइबल में, नए नियम में, इसका मतलब होता है परमेश्वर के कलीसिया में वो लोग जो बॉर्न अगेन होके ग्रोन अप होते हैं, इनको संत बोला जाता है, God's people लिखा हुआ है। तो ये God is not the author of confusion। परमेश्वर confusion को उत्पन्न नहीं करता, कंफ्यूजन उत्पन्न होता है परमेश्वर की आज्ञा, वचन को सुनना और उसको आज्ञा ना मानने से कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। परमेश्वर के वचन का गलत इंटरप्रिटेशन सुनना, गलत संगति में जाना और परमेश्वर के वचन का गलत तरीके से, गलत ढंग से उसका अर्थ सुनना और उसकी उस जैसी हरकतें करने लगना, यह है कंफ्यूजन का कारण और कलीसियाओं से शुरू हो रहा। पौलुस इस चीज को डील कर रहा था, आज भी ये चीज है, डील करने वाले लोग नहीं है। वचन के आधार पर कैसे, पवित्र आत्मा के द्वारा इसको डील किया जा सकता है, पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा ही ये डील होगा, इसको आप मानव तरीके से डील नहीं कर सकते। इसी बात को आपको, अब ये आपको समझ में आ गया पहली सदी की कलीसिया में कितना
भ्रम होने लगा था जब आत्मिक वरदानों का समय आया था। ये पद जो अक्सर ये सुझाव देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमें कभी भी भ्रम का अनुभव नहीं करना चाहिए, मसीह लोग बोलते हैं, इसका हमारे जीवन में व्यक्तिगत भ्रम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पौलुस इस भ्रम, जिस भ्रम की बात कर रहे हैं वो कलीसियाई सेवा की अराजकता है, जहां आध्यात्मिक यानी आत्मिक वरदान नियंत्रण से बाहर है। अगर कहीं पर भी आत्मिक वरदान आपको नियंत्रण से बाहर दिख रहे हैं और कंफ्यूजन दिख रहा है, डिसऑर्डर दिख रहा है, तो वहां पर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन है, वही है भ्रम की आत्मा। और बहुत सरल है, अगर आप वचन को अच्छी तरीके से समझ गए ना तो आपको तुरंत देख के आप बता देंगे ये भ्रम की आत्मा है। यहां पर वो कलीसियाई तौर पर इस बात को, बहुत शोर है लेकिन बहुत कम या कोई वास्तविक सेवकाई नहीं है। शोर हो रहा है, आज कलीसियाओं में शोर बहुत है लेकिन कोई वास्तविक सेवकाई नहीं है, पवित्र आत्मा की सेवा नहीं है, वचन की सेवकाई नहीं है। पौलुस ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरी तरह का भ्रम, व्यक्तिगत प्रकार, जो आपके विश्वास को चुनौती देता है और आपको अपने घुटनों पर मजबूर करता है, शायद परमेश्वर की ओर से हो। यदि भ्रम से हमारा मतलब है ये ना समझना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है या ये ना जानना कि कौन सा रास्ता अपनाना है, तो वस्तुतः हर मसीही इसका अनुभव करेगा और ये वास्तव में परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। हमें ऐसे समय से गुजरने देना एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग परमेश्वर हमें विश्वास से चलना सिखाने के लिए करते हैं। परमेश्वर हमको चलना सिखाना है, विश्वास से चलना अगर सिखाना है तो आपको भ्रम में से होकर जाने देंगे। अब इसका एग्जाम्पल मालूम है, यीशु मसीह का, जब वो शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था तो यीशु मसीह को भ्रमित कर रहा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर, यानी चैलेंज कर रहा था, तो ये कर दे, तो वो भ्रमित नहीं हुआ। उसने हर बात का जवाब लिखित वचन से दिया, लिखा। अगर आप ये लिखित वचन आपके पास है, आपके मन में है रेडी, तो आप डील कर ले जाएंगे, और अगर ये रेडी नहीं है तो आप डील नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए है। दिशा के संबंध में भ्रम, हम पौलुस के जीवन में भी असमंजस की स्थिति को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु उसे भौगोलिक दिशा में ले जाना चाहते थे। और प्रेरितों के काम में हम ये पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 16 अध्याय का 6 और 7 पद, परंतु नहीं नहीं 16 अध्याय का 6 और 7 पद, वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेश से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया, भ्रमित कर दिया। परमेश्वर, आप जब परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं और आप अपनी मर्जी से कहीं कुछ करना मांग रहे हैं, सेवकाई में कहीं जाना मांग रहे हैं, कहीं कुछ करना मांग रहे हैं, वो आपको भ्रमित कर देगा, हाँ जाना नहीं उधर, वो आपको आपकी दिशा भरमा देगा, नहीं जा पाएंगे। पौलुस आत्मा से भरा हुआ था लेकिन वो निश्चित नहीं था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। उसने 2 अलग-अलग दिशाओं में 2 प्रयास किए और दोनों ही मामलों में उसे बहुत दूर जाने से पहले ही रोक दिया गया। यह एक शक्तिशाली सत्य है, कभी कभी हमें ये आभास होता है कि अगर हम पर्याप्त प्रार्थना कर सके, पर्याप्त वचन पढ़ सके और परमेश्वर के काफी करीब रह सके, तो हम हमेशा ठीक से जान सकेंगे कि क्या करना है और कब करना है। सच्चाई ये है कि चाहे आप परमेश्वर के कितने भी करीब क्यों ना पहुंच जाएं, आप कभी भी उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको अनिश्चितता के समय का अनुभव ना हो। आप कितनी भी परमेश्वर की नजदीकी पा लीजिए, अनिश्चितता
यानी एक कंफ्यूजन के असमंजस की स्थिति हमेशा विश्वासी के जीवन में, मजबूत से मजबूत विश्वासी सेवक के जीवन में भी हमेशा रहेगी जब आप दुविधा में पड़ेंगे। ऐसा क्यों? ताकि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको विश्वास में चलने के लिए प्रेरित कर सके। विश्वास का बिना देखे चलना, बिना समझ के चलना, वचन के अनुसार और आत्मा की अगुवाई में चलना, यह है विश्वास से चलना। आप अभी विश्वास से कोई नहीं चल रहा, सब अपनी सेंस को लगाकर चल रहे हैं, यही चीज है। और देखिए, अनिश्चितता के समय का अनुभव आपको ना हो ऐसा कभी होगा नहीं। हमें कभी कभी लगता है कि अंधेरे में रहना हमारी आध्यात्मिक कमजोरी का पक्का संकेत है, लेकिन हम गलत हैं। दिन का उजाला और अंधेरा, न्यायी और अन्यायी दोनों पर समान रूप से पड़ता है, और भ्रम और अनिश्चितता भी दोनों पर बराबर रूप से आएगी। गलत दिशा में दो प्रयासों के बाद परमेश्वर अंततः पौलुस से बात करता है। वो एक सुबह एक शक्तिशाली स्वप्न या दर्शन देखकर जागता है। वो अब सपने में देखता है कि मैसेडोनिया का एक आदमी उसे पुकार रहा है, यहां आओ और हमारी सहायता करो। लूका लिखता है कि प्रभु के इस वचन पर उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमने तुरंत मैसेडोनिया जाने की कोशिश की, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रभु ने हमें उनके पास सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है। पौलुस और साथियों ने प्रभु से एक वचन सुना, लेकिन हम सोच सकते हैं परमेश्वर ने उनसे पहले बात क्यों नहीं की। उसने उन्हें अपनी योजना स्पष्ट करने से पहले उन गलत शुरुआत करने और भ्रम के दिनों को बीतने क्यों दिया? इसका सरल उत्तर यह है कि स्पष्टता और दिशा के लिए प्रभु पर भरोसा करना हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है, ये हमारे लिए अच्छा है। जब हम उन दिनों या महीनों से गुजरते हैं जब परमेश्वर चुप लगता है और हमें उसके द्वारा हमारे लिए बनाई गई योजना या भविष्य के बारे में कोई स्पष्ट विचार ना होने पर भी उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमारा चरित्र बनता है। पुराने नियम के सबसे लोकप्रिय पदों में से एक यर्मिया में पाया जाता है, जहां प्रभु इज़राइल से कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। यहोवा ने कहा, तुम्हें हानि पहुंचाने की नहीं बल्कि समृद्ध करने की योजनाएं, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। यर्मिया नबी की पुस्तक 29 अध्याय और उसका 11 पद है ये, 29 अध्याय 11 पद। और ये बहुत ज्यादा एक दूसरे को लोग भेजते रहते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में कब पूरी करूंगा, अंत में। ये मालूम है ये यहूदियों के लिए है, जो डैनियल में हमने 70 वीक्स प्रोफेसी आपको पढ़वाई थी 9 अध्याय के 24 पद से, जहां पे ये लिखा था और 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, ये क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट है। 70 वीक्स पिछली बार हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तो 62 सप्ताह और 7 सप्ताह कितने हुए जोड़िए, 62 और 7 हैं 69, एक बचा ना, एक बचा, ये सप्ताह अभी भी बाकी है। यही सप्ताह के आने का एंटी क्राइस्ट पीरियड जब शुरू होगा तब ये सप्ताह शुरू होगा, 3.5 साल, ये 7 साल का समय होगा, एंटी क्राइस्ट पीरियड होगा, हार्ड टाइम होगा, आर्थिक रूप से बहुत कठिन होगा और दुनिया में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तब तक अभी से कंफ्यूजन की स्टेज आप देख लीजिए, इतनी भ्रम की स्थिति बढ़ गई है कि हर पड़ोसी अपने पड़ोसी से लड़ने की तैयारी कर रहा, रक्षा बजट बढ़ाया जा रहा है, कहीं ये अटैक ना कर दे तो हम अपने ताकत को बना के रखें। तो हर जगह आप पूरी दुनिया में हर देश अपने पड़ोसी देश से लड़ने की तैयारी कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, न्यूज खोल के देखिए आपको दिख जाएगा, चारों तरफ लड़ाई,
और ये देश के रूप में भी है और व्यक्तिगत रूप से हर पड़ोसी अपने पड़ोसी से डर रहा है। हर व्यक्ति एक व्यक्ति से कहीं हमको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, कहीं हमें ठगी तो नहीं कर रहा, कहीं हमारे साथ ये भ्रम की स्टेज है, ये एक डिसऑर्डर हो रहा है और ये डिसऑर्डर झगड़े करवाएगा और इसी से झगड़े बढ़ेंगे। शक में ही तो अटैक होता है। अगर किसी मान लीजिए कहीं और से कुछ हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा भी हो गई, तो भी कहेंगे इसी ने किया, बता से उसने अटैक मार दिया। तुक्का तुक्की चल रही है, यही चल रहा है। और ये परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा था, ध्यान दे कि परमेश्वर हमारे लिए जो योजनाएं बनाता है उन्हें परमेश्वर कह रहा मैं जानता हूं। यहां पे हम लोगों के लिए सीखने वाली बात क्या, ये है तो यहूदियों के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए कि परमेश्वर की योजनाओं को कौन जानता है, केवल परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा मैं जानता हूं, तो हमको क्या करना चाहिए, अपना जीवन उसको समर्पित करना चाहिए कि हमें अपनी युक्ति बुद्धि लगानी चाहिए। हमारे देश के लोगों में खास बात है, वो साम दाम दंड भेद करते रहते हैं, अपनी युक्ति का इस्तेमाल करते रहते हैं, और जब तक आप अपनी युक्ति का इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर काम नहीं करेगा, कहेगा तुम कर लो। जब तक तुम पूरी तरीके से शून्य होकर बैठ नहीं जाओगे कि नहीं प्रभु हम समर्पण करते हैं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। वो ये नहीं कहता है कि तुम योजनाओं को जानते हो। विश्वास इस वादे की वास्तविकता पर टिका होता है, हम नहीं जानते लेकिन वो जानता है, और उसकी योजनाएं हमें आशा और भविष्य देने के लिए है। अब इसके बाद एक और चीज पॉइंट पर है, विश्वास से चलना। कभी कभी हम अंधेरे में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमें हर परिस्थिति को समझने और अपने जीवन में आने वाले हर मोड़ को तुरंत समझने के बजाय विश्वास से जीने के लिए बनाया गया है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा पहला कुरंथियों 2 अध्याय, पहला कुरंथियों 2 अध्याय मिला नहीं मिला, पहला कुरंथियों 2 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और फिर 10वां पद पढ़िए, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। अब आप देखिए, वही बात जो यहूदियों से कहा था कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वही बात तो यहां पर हमसे कह रहा है कि तुम जो बातें आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, जो तुम्हारे मन में कभी आई नहीं, वो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है और उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करूंगा। और जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे तो परमेश्वर प्रकट कर पाएगा आप पर, तो आपकी स्टेज क्या रहेगी, भ्रम। तब तक आप भ्रमित रहेंगे, पता नहीं अब देखो करेगा के नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं अब देखो, ये भ्रम की स्थिति है कि नहीं। और लोग कहते हैं विश्वासी, मैंने बहुत बड़े बड़े विश्वासी देखे जो दावे करते हैं और उनकी जिंदगी को मैंने हमेशा खोखला देखा, ये मेरा अनुभव है। दावे क्यों कर रहे हो, उस पर भरोसा रख के अपना जीवन उसको साबित करने दो, वो करेगा साबित। तुम मत करो, तुम अपनी बड़ी बड़ी बोल बोलना बंद कर दो, तुम अपना प्रयास करना बंद कर दो, तब तो हम कहेंगे तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी, मैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें उसके वचन में लगा रहूंगा। दाऊद की तरह बन जाइए, दाऊद उसके वचन में लगा रहता था कि उसे मालूम था कि परमेश्वर एक दिन मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। बाइबल घोषणा करती है, इसलिए हम हमेशा आश्वस्त रहते हैं ये जानते हुए कि जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। दूसरा कुरंथियों 5 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए, दूसरा कुरंथियों 5 अध्याय उसका 7 पद, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर
प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। और इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 5:7। मिला, फॉर वी वॉक बाय फेथ, वी रेगुलेट आवर लाइव्स एंड कॉन्डक्ट आवर सेल्स बाय आवर कन्विक्शन और बिलीव रिस्पेक्टिंग मैन्स रिलेशनशिप टू गॉड एंड डिवाइन थिंग्स विथ ट्रस्ट एंड होली फर्वर। Thus we walk not by sight or appearance। देखिए यहां पे इतना स्पष्ट लिखा है, जिसको ये समझ में आ गया इंग्लिश में कि यहां क्या लिखा वो हिंदी में बताए। यहां पे जो लिखा है एक्यूरेट लिटरल, वी वॉक बाय फेथ यानी हम विश्वास से चलते, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम अपने जीवन को और अपने चरित्र को खुद से पवित्र आत्मा के द्वारा, जब वो वचन के द्वारा हमें दोषी ठहराता है, कन्विक्ट करता है, उसके अनुसार अपने जीवन को रेगुलेट करते हैं यानी करेक्शन करके और आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो रिश्ता परमेश्वर की महिमा के रूप में हमारे जीवन से प्रकट, यही लिखा है ना, और परमेश्वर की अद्भुत दिव्य चीजें हमारे जीवन में और उसका दिव्य भरोसा, हमारा परमेश्वर का, परमेश्वर पर हमारा जो भरोसा है वो दिव्य रूप में लोगों के सामने प्रकट हो, ताकि उसकी महिमा हो। यह है विश्वास से चलना। विश्वास से चलने का मतलब यह नहीं कि मन के अनुसार मुंह उठाए किसी के पीछे चल दिए, उसने ये कहा तो चल दिए, उसने कहा तो चल दिए, उसने ये कहा, विश्वास से चल रहे हैं। हमको कहा मालूम तो पढ़े लिखे नहीं, विश्वास से चल रहे। ये कौन सा विश्वास है? अंधविश्वास। अंधविश्वास में जिधर मुंह उठा उधर चल दो, जो जिस जो आपको लुभा ले जाए उसके पीछे चल दो, ये अंधविश्वास है। और विश्वास का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को रेगुलेट करना, अपने जीवन में करेक्शंस करना। जो चीज गलत लग रही है, वचन कह रहा, कंडेम कर रहा, ये गलत है, अनाज्ञाकारिता पे परमेश्वर शुरू से आपसे बात कर रहा है। कितने लोगों ने आज्ञा मानना शुरू करी है? परमेश्वर जांचेगा आपको। और शराब का कारण मालूम क्या? अनाज्ञाकारिता ही है। जिस दिन आप इस चीज से अपने, और ये जब आप चाहेंगे तब वही परमेश्वर आपको मार के नहीं ले जाएगा, छड़ी मार के नहीं चलाएगा, आपको खुद से अपने आप को चेत जाना चाहिए कि अब मैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करूंगा, उस वचन को अपने जीवन में लागू करूंगा। प्रभु पर निर्भरता और प्रभु में विश्वास मसीही जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। अगर हम सब कुछ हमेशा स्पष्ट होता, अगर हमारे रास्ते हमेशा दोपहर के सूरज की चमक से जगमगाते, तो विश्वास की कोई जरूरत नहीं होती, ना ही हमें परमेश्वर पर अपनी निर्भरता का एहसास होता जैसा कि हम अभी महसूस करते हैं। प्रभु की तलाश करना निरर्थक होगा, क्योंकि समस्याओं के बढ़ने के साथ ही उत्तर भी हमारे सामने आ जाएंगे। फिर भी बार बार पवित्र शास्त्र हमें प्रभु की तलाश करने के लिए कहते हैं, यहोवा और उसकी शक्ति की खोज करो, उसके दर्शन के सदा खोज करो। पहला इतिहास 16:11। पहला इतिहास 16:11 है, वहां पे लिखा है यहोवा और उसकी शक्ति की खोज करो, उसके दर्शन की सदा खोज करो। नहीं मिला जी? यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, जब तक तुम्हें दर्शन मिल ना जाए। कोई नहीं खोज कर रहा, सब बस ऐसे रहते हैं कि कोई भी खिला दे, कोई पिला दे, कोई बिठा दे, कोई उठा दे। निर्भरता, परमेश्वर पर निर्भर करना कब सीखेंगे? भ्रम और अंधकार के साथ कई अनुभवों से गुजरने के बाद पवित्र शास्त्र का एक पद जो मेरे लिए प्रोत्साहन का एक जबरदस्त स्रोत बन गया है, वो भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 112:4, जहां इस प्रकार से लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती। ज्योति कहां उदय होती है? अंधकार के बीच में। अगर अंधेरा नहीं होगा तो ज्योति की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर
आपकी भ्रम की स्थिति जो आपके मन में है, इसी को अंधकार कहता है वचन। और ये अंधकार है, और आपने इतना वचन सुना लेकिन आज तक आप इस बात के लिए चेते नहीं कि हमें प्रकाश चाहिए, हमें ज्योति चाहिए। प्रभु मुझ पर ज्योति चमका, मुझे अपनी ज्योति से भर दे। कितनी बार प्रार्थना की होगी, अभी कभी नहीं की होगी, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ये, तो प्रार्थनाएं करते हैं। दाऊद से प्रार्थना करना सीखिए, दाऊद की कोई प्रार्थना फिजिकल नहीं थी। और यहां पे ध्यान दे कि ये नहीं कहता कि धर्मी लोगों के लिए अंधकार नहीं होगा, अंधकार होगा लेकिन अंततः प्रकाश चमकेगा। विश्वास का एक तत्व ये विश्वास करना है कि प्रकाश अपने रास्ते पर है। मान लीजिए कि आप एक रात में किसी ग्रामीण इलाके में जब चारों ओर अंधेरा है और आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी मुश्किल से देख पा रहे हैं, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप कुछ प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी सुविधा किसी यानी दुकान पर जाकर जा सकते हैं और एक टॉर्च खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्याप्त धैर्य रखते हैं तो एक सरल तरीका भी है, आप बस भोर होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, कुछ घंटे दें और प्रकाश आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। हर रात की एक सुबह होती है, आपके जीवन में कब होगी? आपके जीवन में जो अंधकार का समय चल रहा है, भ्रम का समय, कंफ्यूजन का समय, पता नहीं कौन है, प्रभु कौन है, परमेश्वर कौन है, कैसा है, ऐसा ही उन लोगों के साथ भी जो यीशु मसीह में बने रहते हैं और सच्चाई से चलते हैं। बाकी मानव जाति की तरह आपके जीवन में भी अंधकार के समय आएंगे, आपके जीवन के ऐसे मौसम होंगे जब भ्रम और अनिश्चितता आपको अभिभूत करने की धमकी देगी, आपकी खुशी को नष्ट करने और आपकी बेहतरीन योजनाओं को बर्बाद करने के लिए। और सबसे बुरी बात यह है कि परमेश्वर बिल्कुल चुप रहते हैं, यहीं पर लड़ाई जीती और या हारी जाती है, यहीं पर दुष्ट आपके कान में फुसफुसाता है कि परमेश्वर ने आपको निराश किया, आपका निर्माता नहीं जानता, नहीं सुनता, परवाह नहीं करता। और यहीं पर विश्वास की ढाल को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मेरा प्रभु मुझे नहीं भूला है। वो अभी भी अभी के लिए सबसे अंधकार की अनुमति दे सकता है, लेकिन जैसे ही यीशु प्रभु है उसका प्रकाश मेरे अंधकार में चमकेगा। परमेश्वर को समय दे, उसके वचन पर सच्चे रहें और उन पर भरोसा करें, परमेश्वर का प्रकाश जल्द ही आपका अपना राजसी रूप दिखाएगा। और ये कितना खुशी की बात है जब हमारे जीवन में स्पष्टता की पहली किरणें दिखाई देती हैं। प्रकाश प्रतीक्षा के लायक था, परमेश्वर अपने वचनों को अपने प्रकाश से उसमें भर रखा है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन आपके कानों के द्वारा आपके अंदर जाते हैं तो आपके अंदर ये प्रकाश को उदय करते हैं, ताकि आपके मन के अंदर वो दिव्य ज्योति आए जिससे आपका प्राण परमेश्वर की ओर बढ़ने लगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और प्रभु का आत्मा उसका प्रकाश है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पृथ्वी पर अपने वचनों के द्वारा हमारे लिए जो दिव्य ज्योति रखी है और जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कार्य करता है। हम प्रभु चाहते हैं सब लोग आपके वचन में केंद्रित हो जाएं, और जितना ज्यादा वो आपके वचन में केंद्रित होंगे उतना ज्यादा उनका जीवन प्रकाशमान होगा और उतना ज्यादा उनका जीवन प्रभु की महिमा के को प्रकट करने लगेगा। और जीवन में जो समस्याएं खड़ी हुई हैं ये समस्याएं भागने लगेंगी, और अंधकार में जैसे सब प्रकार की समस्याएं और सब प्रकार की दुविधाएं, सब प्रकार की विपत्तियों से इंसान घिरा होता है, वैसे ही आत्मिक अंधकार में भी लोग सब प्रकार की दुविधाओं में फंसे हुए हैं, और इसका केवल एक ही हल है और वो है दिव्य ज्योति। हम प्रभु आपसे विनती करते हैं, आपकी आत्मा का प्रकाश वचन के द्वारा सुनने वालों के हृदय में
जाए और उनके मनों को ज्योतिर्मय करे, ताकि हर एक का जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए ज्योतिर्मय हो और आपका नाम महिमा पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।